चैत्र नवरात्र चल रहा है, माता जी के नवरात्र। और ठीक आपको सामने ही गणपति जी के दर्शन हो गए। देखो ये हबीबी बन गया, ये इतना गर्मी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। वो और भी अच्छे से मैं रेकमेंड करता हूँ, जो कि आपको पूरा जो है वो घुमाती है। स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग में। तो आपने जिस माता जी को अभी देखा, हम लोग अभी पहुंचे हैं अर्नेस विलेज में और यहाँ पे है बुद्ध भवानी माता का टेंपल, जो कि काफी पुराना टेंपल है और काफी सारे कास्ट के लिए ये कुलदेवी भी है। जैसे हमारी कुलदेवी अम्बा माता है, वैसे ही काफी सारे कास्ट जो है उनके लिए ये बुद्ध भवानी माता जो है वो कुलदेवी है। एक्चुअली हम लोग निकले थे कष्ट भंजन दर्शन के लिए और रिटर्न अभी हो रहे हैं घर। और अगर अब तक आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा कष्ट भंजन वाला, तो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, जाके उसे देखिए, काफी मजा आएगा आपको। अभी इस रूट में हमारा ये पहला स्टॉप रहने वाला है बुद्ध भवानी माता टेम्पल। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ और कहा जाता है कि ये 51 शक्ति पीठ में आता है। 51 शक्ति पीठ माता जी की जो मंदिर है उसमें बुद्ध भवानी माता का भी कंसिडर किया गया है। और एंशियंट काफी साल पुराना मंदिर है, काफी साल पुरानी माता जी की आपने मूर्ति देखी होगी, काफी भव्य मूर्ति है और काफी सारे लोग इधर आपको दिखेंगे। आज संडे इसलिए थोड़ा क्राउड ज्यादा है। अभी कुछ चीजें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बनाई जा रही है, वैसे पूजा पे का सामान वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है और उसी में अपने माता जी का टेम्पल है, तो काफी खूबसूरत टेम्पल है। मुझे भी काफी अच्छा लगा, यहाँ पे टेम्पल जो है वो काफी खूबसूरत है। वैसे धूप की अगर बात करूँ ना, तो भाई काफी ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में ऐसे कंटेंट बनाना भी काफी मेहनत का काम है। तो अगर आप लोग ने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मतलब प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी ये क्राउड भी इसीलिए दिख रहा है क्योंकि चैत्र नवरात्र चल रहा है, माता जी के नवरात्र चल रहे है, इसीलिए इतने अभी इतना क्राउड है। बाकी मोस्टली इतना क्राउड नहीं रहता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो जी हम लोग अभी पहुंचे हैं गणपतिपुरा, जो कि कोट गांव से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक प्रख्यात गणपति टेंपल है, ये एक चमत्कारी मूर्ति भी आप कह सकते हैं। इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी ही मज़ेदार है। दरअसल इस गांव का नाम पहले कोट था, लेकिन यहां पे झाड़ियों के बीच खुदाई के समय कई सालों पहले गणपति जी की जो मूर्ति अभी आपने देखी, जो मैं विजुअल अभी आप देख रहे हैं, मैं फोटेज ज़्यादा ले नहीं पाया क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं ज़्यादा आपको कुछ दिखा नहीं पाया। बट जो आपने मूर्ति अभी देखी है वही खुदाई के समय के साथ मूर्ति के साथ सोने की बालिया, सोने का कुंडल और सोने का मुकुट मूर्ति के साथ पाया गया था। और मज़े की बात यह है कि आसपास के गाँवों ने तय किया कि भाई ये मूर्ति तो हम ही लेंगे, ये मूर्ति हमारी ही है। बट फिर डिसाइड किया गया कि ये मूर्ति किसको ले, क्योंकि सब इस मूर्ति के लिए झगड़ रहे थे। तो उसके बाद तय किया गया कि बैलगाड़ी जो होती है उसके ऊपर मूर्ति रखी जाएगी और बैलगाड़ी चमत्कारिक रूप से बैलगाड़ी बिना बैल के आगे बढ़ा और यहाँ पे कोट गांव पे आके ये रुक गया और गणपति की मूर्ति यहीं पे ऊंचाई पर आके अपने आप यहाँ पे स्थित हो गई। तभी से यहाँ पे गणपतिपुर नाम रखा गया है, यहाँ गणपतिपुरा नाम रखा गया है इस जगह का। काफी चमत्कारी आप कह सकते हैं, यहाँ पे काफी लोगों की मान्यताएं पूरी होती है,
गणपति जी का काफ़ी बड़ा आशीर्वाद है। लोगों यहाँ पे बाधाएं भी पूरी होती है। जब लोग यहाँ पे बाधा रखने आते हैं तब उल्टा साथिया ड्रॉ किया जाता है गेहूं के दानों की मदद से, और जब बाधा पूरी हो जाती है तो सीधा साथिया ड्रॉ किया जाता है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि प्रसादी में आप बूंदी के लड्डू और गेहूं के लड्डू आप ज़रूर से ले लीजिएगा, यहाँ पे मिलते हैं। मैं आपको प्राइस रेट भी दिखाता हूँ। ये देखिए चूरमा लड्डू और बूंदी के लड्डू प्रसाद में आप यहाँ से लीजिएगा, यहीं पे काउंटर है। प्रसाद के रेट कुछ इस तरह से है, बूंदी के लड्डू और चूरमा के लड्डू ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ये मंदिर का गेट है और ठीक आपको सामने ही गणपति जी के दर्शन हो गए ठीक यहीं से। ये बड़ी ही अद्भुत चीज़ है, काफ़ी कम मंदिरों में ये देखा जाता है कि आपको गेट से भगवान के दर्शन होते हैं। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे अपने गणपति जी बसे, काफ़ी खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे गणपतिपुरा का ये गेट है और यहाँ पे ये बाजार है और यहाँ पे प्रख्यात वेफर्स मिलती है, जो कि केले की वेफर्स होती है, बनाना वेफर कहते हैं जिसे, वो यहाँ की बड़ी फेमस होती है, इसे खाना मत भूलिएगा। वैसे यहाँ का ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा सा मार्केट है, लेकिन गणपति जी की जो मूर्ति और मंदिर है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। कभी अगर आप इधर इस साइड आते हैं कष्टभंजन और आप रिटर्न में कुछ कवर करना चाहते हैं तो बुद्ध भवानी माता जी और गणपतिपुरा दोनों एक साथ आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल पास ही में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है बुद्ध भवानी माता से। यहाँ पे देखिए लाइन में वेफर्स की शॉप्स लगी हुई है और ढेर सारे वेफर्स की ऑप्शंस इधर मिल जाएंगे। ये अपनी गैंग आ रही है धूप में जलती हुई, बहुत धूप है, बहुत धूप है। ये देखिए देखो ये हबीबी बन गया, ये इतना गर्मी है। ठंडा अच्छा लगा अभी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, अमृत जैसा, अमृत जैसा, दो ग्लास ऐसे ही पी जाएंगे। हाँ वो भी है यार भाई, गर्मी तो मतलब ऐसी गर्मी है ना, मैंने रुमाल बांध दिया, इतना पसीना गिर रहा था मेरे ऊपर। और ये तो मतलब अमृत जैसा काम कर रहा है, कसम से मजा आ गया। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गणपतपुरा से तारापुर चौकड़ी के बीच आते हैं तो आपको ढेर सारे यहाँ पे टोमेटो के फार्म की जाती है, टोमेटो पकाए जाते हैं। तो निशो ने अभी प्राइस पूछा तो कुछ 30 रुपए किलो बताया गया, यानी कि बिल्कुल सस्ते दाम में आपको खेत सीधे खेत से आपको मिल जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल तारापुर, ये इस साइड आप तारापुर जाएंगे, तारापुर अभी चौकड़ी आएगी और वहीं पे बीच में ही ये पूरा फार्म है। बिल्कुल सस्ते प्राइस में अच्छे और मतलब देसी टमाटर मिल जाएगी। गणपतपुरा से हम लोग आगे चल के आए हैं तारापुर और वासत के बीच, ये जगह पड़ती है मणि लक्ष्मी तीर्थ धाम, जो कि माणेज एरिया में लगता है, माणेज है शायद मेरे ख्याल से। तो वहीं पे ये अपना स्थल है जो कि जैन लोगों का टेंपल आप कह सकते हैं। काफी टाइम से मैं इस जगह पे आना चाहता था, ये जगह बहुत विशाल है, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी बड़ी है ये जगह। पूरा मैं आज डिटेल में आपको इस जगह के बारे में बताऊंगा और हम पूरी जगह एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ से क्या चीज़ कैसी है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, कैसी क्या फैसिलिटी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। तो यहाँ से ये अपना एंट्री गेट है कुछ इस तरह से, जो बिल्कुल हाईवे से बिल्कुल पास ही में, ये अपना हाईवे है जो तारापुर से वासत को जाता है। और यहाँ पे पार्किंग एरिया है और यहाँ से आपको आगे की तरफ जाना है। यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है ट्रस्ट का, बुकिंग वगैरह यहाँ पे होती है। आप यहाँ पे जो पानी की बर्फ देख रहे हैं, ये कूलर है, यहाँ पे मतलब पूरा चिल्ड पानी आता है, एकदम चिल्ड, जैसे अंदर बर्फ डाला हो, बहुत सही लगा मुझे। ये अपना बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पे मणि लक्ष्मी तीर्थ सर्कल बनाया गया है एंट्रेंस की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा है भोजन पास
एंड देरा सर। यहाँ पे अगर आप खाना खाना चाहते हैं कि आपको लंच करना है तो आपको यहाँ से कूपन लेना होगा। अगर आपको चाय पीनी है या कुछ ठंडा कुछ पीना है या छाछ वगैरह पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, तब भी आपको देखिए यहाँ से कूपन लेना होगा। भोजन का कुछ 150 रुपये पर थाली टिकट है और चाय वगैरह के 10 रुपये और पॉपकॉर्न की 20 रुपये। टाइमिंग भी कुछ इस तरह से लिखे हुए है। कुछ कूपन कुछ इस तरह से आते हैं। आपको ये कूपन कहाँ दिखाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कौन से वाले लिए तुमने? जहाँ पे आप अगर यहाँ से भोजन का कूपन लेते हैं तो आपको इस हॉल में आना है। यहाँ पे आपको बैठ के खाना है एकदम शांति से, बिल्कुल आराम से। यहाँ से एंट्री आपको है, यहाँ से आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अंदर जाने की कुछ इस तरह से पूरा सेटअप अंदर किया हुआ है, बहुत ही शानदार बनाया है। वैसे मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का अरेंजमेंट, वो सब। यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई गई है और आप पॉपकॉर्न और चाय के लिए जो कूपन्स लेते हैं उसे यहाँ से आपको विड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए अपनी निशु खड़ी है, यहीं से आपको चाय कॉफ़ी छाछ वगैरह यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हो। कुछ इस तरह से पॉपकॉर्न की साइज़ है, ये 20 रुपीज़ का है। वैसे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो लंच मिलता है, जो भोजन मिलता है, वो लहसुन और कांदे के बिना होता है, मतलब प्याज के बिना वो चीज़ होती है। क्योंकि जैन रिलीजन में प्याज और लहसुन जो है वो इग्नोर किया जाता है, वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। उनकी कुछ परंपरा है, उनके रिलीजन में वो चीज़ है, इसलिए आपको यहाँ पे खाने में वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। जो लोग जैनिज्म फॉलो करते हैं उसके लिए तो ये अच्छा ही अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं फॉलो करते शायद उन लोगों को दिक्कत हो सकती है टेस्ट वगैरह। मणिलक्ष्मी टेम्पल बहुत बड़ा है और आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे रुकने की भी सुविधाएँ है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 1500-1600 जैसा रेंट है यहाँ का पर डे का एसी रूम। और आपको यहाँ पे पूरा अगर घूमना भी है तो यहाँ पे ट्रेन बिठाई गई है, टॉय ट्रेन, यस, जो भी वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी हम पहले जाएंगे मंदिर दर्शन करने। ये मंदिर पूरा मार्बल से बना हुआ है और आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दिस। अंदर मेरे ख्याल से शायद मोबाइल अलाउ नहीं है, तो शायद अंदर का मैं फोटेज ना दिखा पाऊँ, लेकिन मेरे बस में जो भी होता है मैं आपको सब दिखाता हूँ। आगे की तरफ आप आओगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है भाई, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है कि जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। बहुत खूबसूरत, बहुत सही बनाया है। वैसे यहाँ पे कुछ हर्बल गार्डन बनाया गया है, यानी कुछ ऐसे पौधे भी है जो हर्बल ही यूज़ होते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्कैन में, अगर आप इसे स्कैन करोगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे फाउंटेन वगैरह लगा है लेकिन अभी मेरे ख्याल से वर्क में नहीं है। और यहाँ पे सामने मणि तीर्थ स्थल का मेन टेंपल लोकेशन है। ये देखिए यहाँ पे भी बेहद खूबसूरत फाउंटेन है। मेरे ख्याल से इसका एक टाइमिंग होगा, पर्टिकुलर टाइमिंग पे ये चलता होगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ऐसा मंदिर मतलब बहुत भव्य मंदिर है। और सूर्य प्रकाश में जो इसकी चमक उठ रही है ना, वो और भी अच्छे से इसे और इसकी शान और बढ़ा रही है। सही बोल रहा हूँ मैं, मेरी आंखें भी ठीक से खोल नहीं रही है, इतना वाइट शेडो गिर रहा है, वाइट प्रकाश आपके ऊपर गिरता है। ये देखिए यहाँ पे चीनो टाइल्स कवर किया गया, काफ़ी बड़ा मंदिर है, वैसे काफ़ी सेक्शन में बनाया गया है। यहाँ पर भी कूलर की सिस्टम रखी गई है, आप यहाँ भी पानी पी सकते हैं। तो ये मंदिर का फ्रंट है, हम लोग अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि आप अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते, फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप ज़रूर आइएगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना मस्त बनाया मंदिर, हर एक चीज़ को डिटेल में किया है और एक से एक पीस मार्बल है, मतलब एक भी चीज़ मार्बल के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ मार्बल, सब कुछ A to Z। वहाँ पे थोड़ा आपको अंदर का इंट्रो करो तो अंदर जाके आपको पूरा भवन आएगा पहले, उसके बाद मेन जो फेस है वहीं पे भगवान का, बड़े भगवान है मणि सुवित स्वामी नाम के, उनके भगवान है, उन्हें वो विराजमान है। ये एक फ्लोर नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर भी एक फ्लोर है,
और वहाँ पर भी एक भगवान है, नभी स्वामी करके भगवान है। दो बड़ी मूर्तियाँ है जो कि श्याम है, पूरा मंदिर व्हाइट है लेकिन उनकी जो भगवान की मूर्ति है वो श्याम है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है इनके रिलीजन के बारे में, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पीस, एक शांति लग रही थी। और बहुत सही चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे आपको हर चीज़ पॉजिटिव लगती है, हर चीज़ पॉजिटिव लगेगी आपको। तो मस्ट विज़िट, आप एक बार ज़रूर आइएगा इस मंदिर को विज़िट करने के लिए, मैं रेकमेंड करता हूँ प्लीज़। ये देखिए यहाँ पे आपको पटरी दिख रही है, मैं जो बोल रहा था आपको ये वही है। एक छोटी सी टॉय ट्रेन आती है जो कि आपको पूरा जो मणि लक्ष्मी तीर्थ है वो आपको घुमाएगी, ये ट्रेन बॉर्डर टू बॉर्डर आपको घुमाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अगर चलना नहीं है और आप इस ट्रेन में बैठ के भी ये पूरा घूम सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। यकीनन यकीन कीजिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, मैं मतलब क्या ही बोलूँ अभी। ये देखिए ऐसी कुछ ट्रेन होती है जो कि आपको पूरा तीर्थ स्थान जो है वो घुमाती है, बच्चे बूढ़े सब बैठ सकते हैं। लो जी तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं पूरा तीर्थ स्थल घूमने के लिए। तो जो भी सीन्स आते हैं वो मैं आपको, जो भी सीन्स मैं कवर कर सकता हूँ ट्रेन में बैठ के वो मैं आपको दिखाऊंगा। अपनी टीम इधर पीछे बैठी है, मम्मी के तो गाभा निकल गए हैं पसीने से, भाई गर्मी भी ज़्यादा है तो अभी वो चीज़ तो हो गई होगा। ये मणि लक्ष्मी तीर्थ लिखा है ना, बस यहाँ से आपको बैठना है, यहीं से आपको पिकअप करेगा ये ट्रेन। ट्रेन की जर्नी है ना बहुत सही है ये, मतलब इन्होंने डिवीज़न दिखा है ए बी सी डी और सोपा की वाटिका जो मैंने लास्ट में दिखा है, ये सब जगह जो है वो रहने के लिए जगह है लेकिन उसको डिवाइड किया है। आप अलग अलग कैटेगरी में आपका जैसा बजट है आप वैसे रह सकते हैं। सोपा की वाटिका जो लास्ट में था ना पूरा विला जैसा बनाया, सच में बहुत अमेजिंग है। कि जिसका जैसा बजट होगा वो उस तरह से मतलब अपना फिक्स करेगा उसका रूम, सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो आप जहाँ मैंने पहले ही ऑफिस जो बताया आप वहीं से अपना बुकिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी बुकिंग होता है, इसका वेबसाइट भी है इसका, तो शायद जाके चेक करिए, शायद ऑनलाइन भी बुक होता है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे आके भी आप बुक कर सकते हैं। बाकी आपको काफ़ी मज़ा आएगा मणि लक्ष्मी तीर्थ स्थल एक्सप्लोर करने में। हाँ जी तो हम लोग अभी घर आ चुके हैं, बहुत ही मज़ा है इस पूरी जर्नी में। सारंगपुर तो भाई कष्ट भंजन हमारे है ही, जो हमारे सारे दुख दर्द हनुमान जी ले लेते हैं इसलिए उनको कष्ट भंजन कहा जाता है। वो वाला ब्लॉग अगर आपने अब तक नहीं देखा ना तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और आज का जो ब्लॉग था उसमें तो बस क्या ही मैं कहूँ, अभी आप मतलब मेरे जैसा आप कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें घूमना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि आप रात को निकल जाइए कष्ट भंजन के लिए, और फिर जब रिटर्न आप होते हो बड़ौदा सूरत या कहीं से भी हो आप, तब आप आज का जो व्लॉग, आज के जो डेस्टिनेशन थे वो सारे आप कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे से। बहुत ही अच्छे मंदिर आज हमने कवर किए और काफ़ी ब्लेसिंग्स हमें आज मिली और काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। तो इस वीडियो को मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं करता, उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।